हाँ बोलो, बस इधर बोलो, इधर इधर। खिला लो, पता से खिला लो। ये देखो बड़ी मुश्किल से सारा परिवार। दादी बोल हेलो। हेलो मैंने दादी को ऐसे बोला, मैं दादी को ऐसे बोली, दादी बोल हेलो। बोल दादी हेलो। जैसे कोई फोन पे बात करते वैसे हेलो। ये गंदी सी शक्ल फिर से बंद करना पड़ेगा। मुझे लग रही है धूप, तो मैंने ये बांध लिया है। हमारी चल रही है गपशप। ये हम खा रहे हैं पताशी, और ये पताशी बेचने वाली है, ये घर में न्यू। और ये रही मेरी पताशी, पताशी, पताशी। Anyone wants to eat? जल्दी से DM कर दीजिएगा। हर्ट शेप की पताशी लीजिए आप। हर्ट मेरा, वैसे तो आपकी शक्ल नहीं है हर्ट वाली, बट फिर भी मैंने दे दिया आपको, तो बिल्कुल नहीं। चलिए रख दीजिए इसको। कितनी क्यूटी क्यूटी लग ली आज पापा। नाखून कैसे चुपते पापा? देख लो, ये एक बाप ने मारा अपनी बेटी को, उसके हुआ निशान, तो बेटी ने करी शिकायत पुलिस स्टेशन में। अब जा रही है बेटी स्टेशन पापा की कंप्लेंट दर्ज कराने। आज क्यूट लग रहे हैं पापा, क्यूट लग ली। आज तो मैं आपकी इतनी तारीफ कर रही हूँ, आपको थैंक यू बोलना चाहिए। बोलो थैंक यू, ऐसे बोलो थैंक यू माय डियर, ऐसे बोलो पापा थैंक यू माय डियर। बोलो एवा, बोलो थैंक यू माय डियर। तो फाइनली वो घड़ी आ गई है जब हम इन साड़ियों के सूट सिलवाने जा रहे हैं। सो मैं हो चुकी हूँ रेडी, ज्यादा कुछ भी नहीं किया। तो मैं आपके बारे में आपको 18,000 रूपए देती हूँ। और मेरी मम्मी के लिए कमरा फैला दिया है सारा, और मेरी मम्मी अब कमरा समेटेगी बस। यस, मेरी मम्मी कमरा समेटेगी मेरा। हम तो फैलाएंगे, मेरी मम्मी कमरा समेटेगी बस। देख रहे हो मम्मी कितनी ज्यादा मेरे को ऐसे बोलती है। देखो गाइज, कई लड़कियां मुझसे कनेक्ट करेगी इस बात पे। देख लो गाइज, ये हमारा कमरा इतना फैला दिया इसने। देखो मम्मी भी ब्लॉग सीख गई है। हाँ बोलो हेलो गाइज। हेलो गाइज, हेलो गाइज गाइज। चलिए इसने चुन्नी बांध ली है, ये भी मेरी चुन्नी है, ससुराल से कुछ लेके नहीं आती है ये दोनों बेटियां एक बैग लेके आई थी, दूसरा बैग दूसरे दिन ही भर गया इसका, बड़ी बेटी का भी, और पता नहीं वो कैसे भरा इनके कपड़ों से, क्योंकि ये कपड़े ही बहुत ज्यादा ले आती है ना इस वजह से। अपन है ना पापा को ऐसे करके देंगे 18,000 रूपए। तू इतने लेके बैठती ले, चल ले जा, थैला में डाल लेना। ये पैसे हैं बहुत मेरे पास, 2,000 के नोट है गाइस, जिसको चाहिए वो मुझसे संपर्क करे, गड्डी भिजवा दूंगी 2,000 के नोटों की। सो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, DM कर दीजिएगा मुझे, जिसको भी 2,000 के नकली नोट चाहिए। नहीं नकली नोट तो हमारे नसीब में है ही नहीं कि हम कभी सूट सिलवा पाएंगे इन साड़ियों का। तो अभी भी हम गए वहाँ पे, आंटी जी नहीं थी, तो हम अब मैं ये व्लॉग जो है कल कंटिन्यू करूंगी, आज मैं इस व्लॉग को कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी। सो क्या है मैं व्लॉग बनाती ना तो आधा तो ये ऐसे देख देख के मुझे ऐसे शर्म सी आ जाती है, वैसे मैं व्लॉग इतना नहीं बना पाती हूँ, और फिर ये लोग मुझे ऐसे देख देख के ऐसे देख देख के मेरे कुछ थोड़ी शर्म आ जाती है, थोड़ी मैं शर्मेली किस्म की हूँ ना, इसलिए अभी मैं ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी। कल मैं आपके साथ ब्लॉग कंटिन्यू करूंगी, क्योंकि कल हमें कहीं जाना भी है। सो कल मिलते हूँ मैं अब आपसे। स्टे ट्यून्ड गाइस, पीछे से आपको आवाज आई होगी ना, किसकी? नेहा की। बाय। फिर से एक्टिवा का ही हो चुका है, एक्टिवा फिर से नहीं चल रही। Oh my god.
बुरा लगा आपका? वाह घुटा लिया। फिर से पूछो ये क्या है? कौन सी सेव? लॉन्ग वाली सेव? नहीं वो क्या पूछ रहे थे आप? पूछो अब, पूछो अब। प्याज पापा इग्नोर कर रहे हो मुझे। पूछो अब मो, अरे मम्मी हटना, ऐसे पूछो मोए मोए क्या है? मोए मोए मुझे भी नहीं पता, ये लोग बताएंगे आपको मोए मोए, ये आपको कमेंट करेंगे मोए मोए क्या है। और अभी बन रहे हैं पोए की तैयारियां, पोए हैं ये, और उधर चल रही थी कटिंग। फाइनली हम बहुत ज्यादा हिम्मत करके फाइनली हम जा रहे हैं मार्केट, बस अब हम रेडी हो रहे हैं। बहुत बड़ी हिम्मत करके जाना पड़ रहा है बिकॉज बहुत ज्यादा ठंड है। देख रहे हो मैं गाइज कैसे बैठी हूँ? गाइज गाइज बटर पहनने की रिश्वत मांगी जा रही है इनसे। कितने रुपए? कितने रुपए? ओह माय गॉड देखा 10 रुपए। नहीं 10 रुपए नहीं, टॉफी खा लेना, पतंग नहीं उड़ाएंगे इस सर्दी में। लुक ये इधर देख, आज मेरे पैरों में है मेरा भाई। अभी मैं थोड़ा बैंक का काम करने के लिए रुक गई थी, तो अभी हम जा रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में, तो बहुत ज्यादा ठंड लग रही है मुझे। बहुत ज्यादा ठंड है, बहुत ज्यादा, देख रहे हो बहुत ज्यादा। इस ठंड में बिल्कुल भी बाहर ना निकले, हम बहुत गलत निकल चुके हैं। हम सोचे आज सर्दी का मजा लेंगे, तो हमने बहुत अच्छे से मजा ले रहे हैं। और अभी मेरे थोड़े सामान बाकी है, वैनिटी वगैरह सुनी हो, हम वो ले रहे हैं वैनिटी वगैरह। तो अब हम जा रहे हैं अनारगढ़ रोड, तो देखते हैं वहाँ मिलती है नहीं मिलती। यहाँ तो कुछ मिला नहीं अभी तक, नॉर्मली जो भी होता है वो ले लिया हमने। अब हम जा रहे हैं नारगढ़ रोड। सर्दी कैसी लग रही है? बहुत तेज। इनको देखो सर्दी चालान बचा रहे हैं ये, इनको ऐसा लग रहा है हम पैदल पैदल चलेंगे ना तो हमारा चालान कट जाएगा, तो इसलिए इन्होंने हेलमेट पहन रखा है। कुछ कहना चाहेंगे आप सर्दी के बारे में? सर्दी लगती है भैया। सर्दी का तापमान कैसा है? बहुत तगड़ा। मैं सोच रही हूँ मैं एक टोपा ले लूँ, क्योंकि ये स्टॉल अच्छा नहीं लग रहा, बट ठंड इतनी है कि अच्छा लगे नहीं लगे, बट सर नहीं दुखना चाहिए। सर दुख गया तो भाई साहब शरम फुटिया गरम। सर दुख गया तो पूरा दिन खराब जाएगा। जो मिल जाओ और लेनी चाहिए। हाँ सही बात है, क्योंकि मुझे गर्ल्स का अभी तक कहना कैप मिली नहीं, अब मैं देख लूँ कैप मिल जाए फिर पहनूंगी। ये 50 रुपए का है? 250 रुपए, 250 रुपए के क्लेचर, 250 रुपए के क्लेचर। ओ माय गॉड। और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो 250 रुपए का है, ये पर्ल भी पर्ल रियल नहीं है। दिन के लिए रख रखे भैया आपने? कोरिया वालों के, कोरिया वालों के लिए। अपने जयपुर में कोरिया वाले विजिट करेंगे जल्दी। कोरिया कंपनी के आते हैं। अच्छा अच्छा, अब ये देखो ये 80-80 रुपए के हैं। हाँ चलो ये तो मैं मान सकती हूँ, मैं मान लूँ, पर ये 250 जबकि उनमें कुछ नहीं है। तो मेरे डाइजेस्ट ही नहीं हो रही, बात की 250 कोई हेवी आता है कोई ऐसा कैसी बन रही। तो हम घर आ चुके हैं और हमें लग रही है बहुत ज्यादा ठंड। इसको रख दे, देख रहे हो ब्लश नहीं लगाए, बिना कुछ लगाए ऐसे ब्लश आ रहा है चेहरे पे, ऐसे ग्लो आ रहा है। यार ये चिढ़ चुकी है लड़की, ये ऐसे बोल रही है कि मेरा तो चेहरा काला काला लगता है यार, बट तेरा देख के तो पिंक हो गया, एकदम पिंक हो रहा है, पिंक पिंकी पिंकी। देखो